नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। हम राज सिंह राजपूत, जल्दी हम कभी वीडियो नहीं बनाते ज़्यादा ऐसे, लेकिन भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकारों को देखते हुए और जो भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कुछ चल रहा है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ ऐसे लेवल पे ले जाया जाए जिससे कि जितने भी श्रोतागण हैं और जितने भी भोजपुरी को चाहने वाले हैं, भोजपुरी भाषा एक मीठा भाषा है जिसे यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड ही नहीं पूरा वर्ल्ड भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी भाषा को पसंद करता है, लेकिन कुछ तुच्छ घटिया कलाकारों के वजह से, गायकों के वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ख़राब हो रहा है। और हम भोजपुरी इंडस्ट्री में 2012 से जुड़े हुए हैं, कुछ गद्दार मित्र मिले, कुछ धूर्त लोग मिले जिन्हें हम आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद पीछे रह गए और अब जाकर हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर से वापस एंट्री मारे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। और हम चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए, कुछ नए तरीक़ा से किया जाए और भोजपुरी इंडस्ट्री को टॉलीवुड साउथ से भी कंपेयर नहीं करना है, हमें उनसे कुछ अच्छा कर दिखाना है ताकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भोजपुरी को चाहने वाले दिखें, हर जगह भोजपुरी सॉन्ग बजे, भोजपुरी भाषा का मान सम्मान बढ़े। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े से बड़े कलाकार, गायक वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, वो बस एक दूसरे को कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि पब्लिक में मुद्दा उनका बना रहे, उनको लोग पहचानते रहें। ऐसे लोग को आप लोग सीधा ब्लॉक कीजिए, अपने आईडी से भी ब्लॉक कीजिए, उनका कोई भी गाना मत सुनिए। जो कलाकार भोजपुरी को बदनाम करे, अभी कुछ हाल ही में कुछ राइटर हैं, कुछ कलाकार हैं जो उनको कलाकार भी नहीं कहा जा सकता है, उन्हें एक धंधा करने वाला कहा जा सकता है, एजेंट, वो बस अपने घर की रोटियां चलाने के लिए कुछ भी अनाज शनाब बकते रहते हैं, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का भतार बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी भाषा आपके लेवल को हाई लेवल तक पहुँचाया है, आपको हर्ष से अर्श तक भोजपुरी भाषा ही पहुँचाया है और आप उन्हीं के भतार बनते हैं, कोई कुछ बनता है, गाना कुछ भी गाते हमसे उससे नहीं मतलब है, क्योंकि जनता वो गाना सुनती है तभी आप लोग की मजबूरी हम समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसा अलग लेकर आए जिसे कि जनता उसे भी सुने। अब एक ही चीज़ उनको बार बार परोसेंगे, भाई तो उनकी तो मजबूरी है सुनना। हम श्रोतागण जनता को भी हम दोष नहीं देंगे, आप जो खिलाएंगे वही तो आदमी खाएगा, कोई अलग से तो खाएगा नहीं। ये नहीं कि आप नून मर्चा परोस दिए हैं तो अब उसको घी रोटी दाल चाहिए, भाई आप जो खिलाएंगे वही खाएगा ना। तो आप कुछ अलग कीजिए, नया कीजिए जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े, नाम हो। हम जमीनी स्तर पे पूरा घूमते रहते हैं, हर जगह भोजपुरी का बदनामी होता है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कर्नाटक हो, चेन्नई हो, अरे फलाना भोजपुरी में ऐसा होता है, वो फलाना भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, ये है फलाना ढिकाना उकाना। बड़े से बड़े स्टार, किसी स्टार के बारे में उतना नहीं कोई जानता है जितना सिर्फ अश्लील गानों की वजह से उन्हें जानता है। तो हम हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं कि ऐसे कलाकारों का बायकॉट कीजिए जो भोजपुरी को बदनाम करे। भोजपुरी हमारी माता है, भोजपुरी से ही हमारी पहचान है। अगर भोजपुरी को हम बदनाम करेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम 2012 से जुड़े हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, मगर आज तक हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं किए। बहुत से कलाकार जो आज के डेट में सुपरस्टार बने हैं, अभिनेता बने हैं,
राज सिंह का ही देन है। बहुत से ऐसे हैं, बहुतों को नाम गिना सकता हूं मैं, लेकिन आज तक मैं कभी लाइव आके चाहे कभी वीडियो बना के ये नहीं कहा कि मैं इस स्टार को मैंने आगे बढ़ाया है, चाहे फलाना का प्रमोट मैं किया हूँ। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनका आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये सब पूरे 4-5 ज़िलों में उनका प्रमोट मैंने किया है। उनको स्टेज शो दिलवाया हूँ, बहुत सारे स्टेज शो दिलवाया हूँ, उनके वीडियो पे मैं खुद अपना पैसा खर्च करके वीडियो बनाया हूँ। आज वो बड़े से बड़े स्टार बने हुए हैं। अराज सिंह जब फ़ोन किसी को करते तो फ़ोन भी अब नहीं उठाते, बहुत तकलीफ़ होता है। फिर सोचते ठीक है कोई बात नहीं, हो तो महादेव की कृपा है, महादेव जो चाहे वही कर, महादेव के बिना तो कोई एक पत्ता भी नहीं ला सकता, ये हमें पता है। हम थोड़े पीछे ही हैं, मगर अपना हमारा एक अस्तित्व है, हमारी एक इज्जत है, हमारा मान सम्मान है। अब इतना ही कहेंगे सभी से, जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं जो अच्छे गाते हैं, हम उन्हें नहीं कुछ कहना चाहते हैं, जो अच्छा गाते हैं उनके लिए हमारे लिए मान सम्मान आदर है। अच्छा गाइए बुरा गाइए तो भी हम आपकी इज्जत मान सम्मान करेंगे, लेकिन कोई भी दो कौड़ी के लोग भोजपुरी को भोजपुरी का फतार कहेगा तो बेटा हम तुम्हारे माता जी के बतार हम लोग बहुत पढ़े हैं यहाँ पे, इतना याद रखना। बाप है तुम्हारे हम, जमीनी स्तर पे कहीं मिल जाना पता चल जाएगा भोजपुरी का असली बेटा कौन है, और बतार जो बनते हो तो पता चल जाएगा तुम लोग को। एक थप्पड़ खींच के अगर मार देंगे जोर से ना, साले धूल चाटने बैठोगे यहीं पर। ये देखा इनके आता जाता कुछ नहीं है, इनके गाना उनका गाना चोरी करते हो तुम लोग, छोटे छोटे कलाकारों के गाने चोरी करते हो और भोजपुरी का पता नहीं का फलाना ढिकाना बनते रहते हो। मिलो ना जमीनी स्तर पे, कहीं कहाँ मिलोगे, मुंबई मिलोगे, यूपी मिलोगे, बिहार मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मिलो। पता चल जाएगा तुम लोग को। हमें बहुत तकलीफ हुआ, कोई भोजपुरी का भतार बनाए कोई बनाया है, तुम्हारी माता का कितने भतार है ये हमें बताओ। एक बाप की औलाद रहते तब तो अपनी माता की कदर करते, तो हमको तो लगता है कि तुम अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते हुए कदर। पैसों के लिए तो अब तुम अपनी माँ के भी भतार को बदल दोगे, अपने बाप को बदल दोगे। सुधर जाओ सुधर जाओ। हम जल्दी किसी के बारे में बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना बेटा तो फिर जमीनी स्तर पर बोलते हैं, मोबाइल पर लाइव आके नहीं बोलते हैं, वीडियो बना के नहीं बोलते हैं। 2012 से फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, मगर आज तक तो कोई हमारा ऐसे वीडियो बता दो किसी के खिलाफ हमने बनाया है, कंट्रोवर्सी वीडियो बनाए हैं हमने। चाहते तो हम भी इनके फलाना ढिकाने के चमचागिरी करके ना हम भी तुमसे बड़े स्टार बने होते। 4-5 हमारे सीनियर हैं, बाकी सब हमारे जूनियर हैं। पवन भैया हमसे सीनियर हैं, कल्लू भैया हमसे सीनियर हैं, दिनेश लाल यादव भैया हमारे सीनियर हैं, मनोज तिवारी भैया हमारे सीनियर हैं, ठीक है, बाकी सब हमारे बाद ही जुड़े हो। कोई किसी का गाना, तुम बस सिंगर हो इसके वजह से तुम्हारे तुम भोजपुरी में तुम दिखते हो, और हम हैं एक्टर अभिनय करते हैं। अब पहले तो ये माहौल मैं सभी श्रोतागण से, सभी जनता से, भोजपुरी को चाहने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो सिंगर अच्छा गाता है उसे प्रमोट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर ऐसे फालतू जो गायक हैं उन्हें हीरो ना बनाएं। यह आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन।